जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता रहे हैं, कल 1 अप्रैल को मध्य प्रदेश की पहली व देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से भव्य उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं लाइव इनॉग्रल सेरेमनी, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कल 1 अप्रैल को मध्य प्रदेश की पहली व देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के मध्य शुरू की गई, जिसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से फ्लैग ऑफ किया गया। लाइव इनॉग्रल सेरेमनी देखिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबकी रेल, भारतीय रेल। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा रानी कमलापति नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ होने जा रहा है। इसके तुरंत बाद माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित भी करेंगे। शुभारंभ की स्वर्णिम घड़ी आ गई है। मध्य प्रदेश वासियों, माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। और सभी गणमान्य नागरिकों से अनुरोध है कि इस पल के साक्षी बनते हुए करतल ध्वनि करते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करने के पल के साक्षी बने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल से नई दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। मध्य प्रदेश वासियों का बरसों पुराना सपना। इस पल का मध्य प्रदेश वासियों को बरसों से इंतजार रहा है। 300 से ज़्यादा स्कूली बच्चे वंदे भारत से सफ़र कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से बच्चों ने संवाद भी किया और प्रधानमंत्री के दिल के बेहद करीब ये बच्चे आज अपने बीच उन्हें पाकर बेहद उत्साहित हैं। ये उन सब के लिए एक यादगार पल रहा। और वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी सब बच्चों को अलविदा कहते हुए माननीय प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर ये बच्चे बेहद उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। इस ट्रेन के जरिए भारत की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी को आपस में कनेक्टिविटी और तेज परिवहन की सुविधा मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अद्भुत तोहफा, यादगार तोहफा मध्य प्रदेश वासियों के लिए। इस ट्रेन के माध्यम से यात्रीगण रानी कमलापति और नई दिल्ली के मध्य आने वाले धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों की सुगम एवं तेज यात्रा के अनुभव के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ भी उठाएंगे। इस ट्रेन के माध्यम से यात्रीगण बहुत ही कम समय में भोपाल और दिल्ली का सुगम एवं सुविधाजनक सफर कर सकेंगे। ट्रेन में बैठे सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन श्रद्धालुओं, व्यापारियों और पर्यटकों को नए भारत की नई रेल यात्रा का अनुभव कराएगी। वंदे भारत ट्रेन भारत की 11वीं तथा मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन है। आज हम सब साक्षी बने हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। पूरे मध्य प्रदेशवासी माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। और ये दिल्ली के लिए रवाना वंदे भारत एक्सप्रेस। अब हम आमंत्रित करते हैं जिनकी शब्द ध्वनि सुनने के लिए आप हम सब बड़ी देर से प्रतीक्षारत हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी।